सो गाइज अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या पहने क्या ना पहने, क्योंकि बाहर थोड़ी ठंड है। और ये देख लो काजल रानी ने क्या हालत कर दी है बेड की। ओह प्रेस भी कर रही है आज तो। ये तो व्लॉग बनता है काजल तेरा, दिखाना है कि तुझे सब काम आते हैं। मैं क्या पहनूं, मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरा आज थोड़ा सिंपल कुछ पहनने का मन है। वैसे तो मैं बहुत सारे कपड़े लेकर आई हूँ यार, मैं क्या पहनूं। चल ये वाला पहन लेती हूँ। क्या बोल रहा था तू? ऐसे तो मतलब से मैं खड़ा हूं। नहीं ऐसे ही लेना बनता है देख। हाँ इसकी हाइट इतनी लंबी है साहिल, देखो कैसे खड़ा है। ये ट्रैवलर्स है काजल, ये ट्रैवलर्स है। क्यों अब क्या हो गया? कितनी बार पियोगे? इतनी बार नहीं पीनी होती। अभी तो खोल रहा हूं। अच्छा ये बात तो सीधी शिल्पा। ये शिल्पा शिल्पा क्या हुआ था? हमने कैसी वो जो टिकटॉक पे जोकर नहीं आता था वैसी शक्ल बनाई है साहिल ने। मुझे एक क्लिप चाहिए थी और क्लिप देखो मुझे कहाँ मिली। चोर। Very nice, Sahil. Thank you so चोर much. की शर्ट मिली। Thank you. ये शर्ट आपकी नहीं लग रही? उसके पास भी सेम है। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम योर शिल्पा चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो हम जा रहे हैं आज केबल वायर वो गंडोला राइड के लिए। तो हमने अपनी टिकट्स ऑफलाइन बुक कराई हैं क्योंकि उन्होंने बोला था ऑफलाइन ही बुक होती हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना है। सो गाइज मेरी आउटफिट ऑफ द डे है ये। वो कितने अच्छे लग रहे हो। मैंने हाथों में ऐसे पहना है क्योंकि मुझे एक शूट करना है। मैं चाहती थी कि मैं ऐसे 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 करूँ तो बस। अब गंडोला राइड के लिए तो आई नो कि आउटफिट परफेक्ट फिट नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ। आज मैं नहीं जा रहा आपके साथ। मैं फोल्ड कर लूँ। हाँ फोल्ड कर यार इसको। गंडोला राइड के लिए साहिल और विवेक नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। मैं तो एक्साइटेड हूँ गाइस। मैं डरती नहीं हूँ, आपको पता है मैं इंटरनेशनल ट्रिप भी करके आती थी तो मैं डरती नहीं हूँ। तो आज हम दोनों जा रहे हैं और देखते हैं। एक बनी है पूरी वेस्टर्न और एक बनी है पूरी ट्रेडिशनल। तो ये बहुत ही हमें ऑपोजिट अट्रैक्ट। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, 3:30 हमारी गंडोला राइड है, चलते हैं। लास्ट है 3:30 गाइस, कभी आओ तो 3:30 से पहले पहले ही आना गंडोला राइड के लिए। ठीक मैं सब बताती हूँ इनको अच्छे से साहिल। गाइज बाकी सब तो सही है, बस मेरे और काजल के जो बाल है ना वो ऐसे हो गए हैं जैसे हमने ऑयलिंग की हुई है तो हम कोई हेयर स्टाइल बना नहीं पा रहे हैं। पर मम्मी ने धोने से मना किया वरना बीमार पड़ जाएंगे। हम सेट नहीं कर पाएंगे अगर गाड़ी में जा सकते हैं। मना कर रहे हैं अपनी कार से नहीं जा सकते, हमारे घोड़ों पे ही जा सकते। मैं तो नहीं बैठूंगी यार, मैं भी हॉर्स पे नहीं बैठना चाहती अब। गाइज कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ते हैं, सीधा ये बोलते हैं कि हॉर्स से ही जाना है। क्या नाम है इसका? पाइन व्यू। पाइन व्यू नहीं तो आपका गाड़ी वहीं तक अलाउड है, उसके आगे नहीं है। उसके आगे नहीं है तो यहाँ से कितनी दूर है गंडोला? यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, 1.5। तो कल तो गाड़ी गई थी यहाँ से? वो तो कल शाम को गई थी। शाम को आपको भी अलाउ करेंगे। थोड़ा आगे जाने दो, जहाँ से हम पैदल। थोड़ा सा आगे जाने दो, पैदल आए थे हम तो कल आए थे। सेकंड डे आज हमारे यहाँ, कल थर्ड डे होगा। ऐसा सभी में क्या करो सर? क्या बोल अपने भाई ने हेल्प की। वैसे कितने दूर है? हाँ जी तो गाइस यहाँ से आपको पैदल जाना होता है और आगे गाड़ी नहीं जाती है। तुम क्यों नहीं कर रहे हो यार? बोरिंग तो नहीं है ना? क्या बताया? आप जाना, आप देख के आना, फिर आप बताना है। ठीक है सर, एयरपोर्ट। मैंने बोला हम कहाँ जाना, अंबानी। बाय गाइस। बाय। ओके सो गाइस बस मैं और काजल ही जा रहे हैं और थोड़ा गाइड ने गाइड किया है कि आगे जो क्वेश्चंस पूछे तो उनको क्या क्या बोलना है, क्योंकि मैं और काजल गाइड ने लेके जा रहे हैं। काजल मेरी गाइड है और मैं काजल की। हम ऐसे लेके जा सकते थे एक में? कितने जाते हैं एक में? 6। एक्साइटेड हाँ एक में 6 बैठते हैं, पर मैं और मेरी बहन हर चीज अकेले करना प्रेफर करते हैं। वो देखिए पागल है क्या, कितनी देर जाएगा? हाँ 9 मिनट की तो राइड है। एक्साइटेड
मुझे तो नहीं लग रहा है, मजे आ रहे हैं। अच्छा तुझे लग रहा है? अबे मैं हूँ यार, मत डर। मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बना रही थी गाइस गंडोला राइड की ना, काजल रानी से बाद में एक्सप्लेन करेंगे। काजल रानी को मैंने फोन हाथ में दिया, इसे हुआ मैं इसे छोड़ के चली जाऊंगी। यार वो कहती भैया चलती चलती में बैठना है। देखो गाइस मेरे पीछे मेरे साथ साथ आप भी गंडोला राइड का मजा लो। मजा तो है यार, मजा तो है। अब सोच तो इमेजिन कर विंटर्स में तू आए और पूरी स्नो से भरा हो। करेंगे काजल, एक में छह जा सकते हैं और हम चार थे। साहिल और विवेक पागल ही है, मैं मना करने को थे। क्या हुआ? डर लगा। डर मत, तब यहाँ से ऐसे जाता है ना तब डर लगता है। So guys, अभी हुआ कुछ ऐसा है कि सबकी गंडोला ना रास्ते में रुक गई है और काजल रानी ने जो हरकत किया ना वो उसके ब्लॉग में जाके देखना। तो अभी गंडोला रुकी है तो देखते हैं कितने मिनट्स तक रुकती है। काजल टाइम देख फोन में, 2:40 पे रुकी है गाइज। और पता है क्यों रुकी है? हाँ। वो उधर उतरते होंगे लोग या कुछ ऐसा होता तो 9 मिनट की है, 9 मिनट में कितने मिनट रोकेंगे? और ऐसे थोड़ी रोकते हैं, बीच में चलती रहती है। बाकी आइडिया नहीं है गाइज हमें, पर हम कल यही बात कर रहे थे कि अगर गंडोला बीच में रुक जाए तो क्या होगा, क्योंकि इसका कोई फ्रेंड है कैलिफोर्निया रहता है, उनकी गंडोला 1 घंटा रुक गई थी। 1 घंटा? पूरा 1 घंटा रुकी रही थी, पूरा 1 घंटा रुकी रही थी। बाकी सुंदर तो देखो बहुत है, और नीचे ना विलेज है तो हिल मत यार, हिलने भी नहीं दे रही है गाइज मुझे, हिलने भी, क्योंकि हम दो हैं बाकी में छह बैठे हैं लोग, तो हिलने से क्या होगा? ये देख कैसे हिल रही है। अच्छा ये ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट हो रही है ना, हिलती नहीं हूँ। पर यहाँ फैमिलीज रहती है गाइज, देखो वहाँ पे वो आंटी, वहाँ पे वो आंटी है, कितने सुंदर सुंदर से घर बनाए हुए, कलरफुल है ना। सोच हम तो ऐसे बैठे हैं नॉर्मल, और कोई किसी को हो रही होगी दिक्कत, क्यों हो रही होगी? ये देखना यहाँ पे अबे किसी को डर लग रहा। हाँ जिन्हें लगता है उनका तो है, और ना फोन कर सकते हैं, ये थोड़ा सा लॉस है ना। पर जिसके नेटवर्क आ रहे होंगे हमारे ही तो नहीं आ रहे हैं। गंडोला में मंडोला हो गया, पता नहीं तो क्या क्या बोल रही है गाइस तब से। पर हाँ मेरा और काजल दोनों की ही ना यहाँ पे आके जो सिम है वो बंद हो चुकी, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसे इमरजेंसी हो तो हम कॉल तो कर सकते हैं, अब हम कॉल भी नहीं कर सकते हैं, क्या ही करेंगे, चीखेंगे चिल्लाएंगे बस। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए और हम दोनों के पास है सिर्फ 15 मिनट्स। सो गाइस यहाँ पे उतरने के बाद आप कुछ खा पी सकते हैं, घूम सकते हैं। पहले कुछ घूमेंगे नहीं, पहले कुछ खाएंगे है ना। ये पहले बटरस्कॉच या फिर चॉकलेट। सो गाइज गंडोला राइड से अगर आप ऊपर आते हो तो आपको ये व्यू दिखता है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, और जो सेकंड फेज वाली गंडोला होती है वो वहाँ जाती है जो अभी बंद की हुई है इन लोगों ने। और यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही कैफ़े मिलेगा जो ये है, कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, जिनका मेन्यू तो बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ पर चीज़ें बहुत कम हैं, तो आप यहाँ खा पी सकते हो, बाकी अपना व्यू इन्जॉय कर सकते हो। ये ले लेते हैं क्रिस्पी चिली पोटैटो, हनी चिली पोटैटो, हनी चिली पोटैटो। कैफे तो बहुत बड़ा था, मेन्यू बहुत छोटा था, तो पागल है क्या? इस जगह का नाम है कंगडोरी। हाँ ये बारिश नहीं है, दिल्ली से। हाँ नहीं और भी हैं। सो गाइज जैसे कि हमारी गंडोला राइड का जो टाइमिंग था 1:30 से 3:30 था, तो उसी के बीच में आप खा सकते थे, पी सकते थे, घूम सकते थे। हमने पूरा अभी देखा, और अभी बहुत ज़्यादा ना ऐसे क्लाउड्स वगैरह आ गए हैं, लेकिन यहाँ ऊपर आकर पता लगा कि यहाँ से फिर से हॉर्स पे आप जाओगे तो ऊपर वाटरफॉल होगा, कोई बर्फ़ की जगह होगी और कुछ एक्टिविटीज़ भी होंगी, तो वो तो देखो अभी कर नहीं सकते हम, तो अभी साहिल विवेक को नीचे जाकर बताएंगे, और अगर वो दोबारा इंटरेस्टेड हुए तो फिर से आ जाएंगे, क्योंकि अभी वही है आधी अधूरी चीज़ें देख पाए हैं। ऊपर ऊपर जाने का मेरा तो मन है, बाकी काजल का पता नहीं, तेरा मन है ना ऊपर जाने का? मन है नहीं है, है ना? बोले साहिल और उनको ना दोबारा आने के लिए, आज लास्ट टाइम ही 3:30, उसके बाद बंद है गंडोला, फिर कल ही आ सकते हैं ना। यार गाइस ऊपर बड़ी सुंदर सुंदर चीजें बता रहे हैं, पहलगाम ना जाके इधर ही रुक के ऊपर चलते हैं। पहलगाम में वैसे भी क्या है? पहलगाम में पहले भी हम पूरा हॉर्स राइड करके घूम चुके थे, लेकिन वही है यहाँ अच्छे से। गुलमर्ग मुझे सबसे सुंदर लगा है अब तक का ना, सबसे सुंदर नहीं, सोनमर्ग भी सुंदर था, सोनमर्ग भी था, लेकिन उसके आगे अगर कंपेयर करूँ तो मुझे गुलमर्ग अच्छा लगा है, बिल्कुल एस्थेटिक। और गाइस मुझे और काजल को ना बार बार कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं कि आप दोनों यहीं से हैं, कश्मीरी हैं, कश्मीरी हैं। और क्या अभी मुझे उन भैया ने बोला, आप बहुत क्यूट हैं, मैंने पता है ऐसे प्रिटेंड किया, मुझे सुनाई दिया, मैंने कहा क्या बहुत अच्छा। ये इतनी भीड़ कैसे हो गई एकदम से? इसलिए रुकी थी क्योंकि लाइट चली गई थी, ऐसे चली जाती है जी।
कितने कितने देर के लिए जाती है? 2 मिनट 5 मिनट लेकिन 7 मिनट के लिए गई थी। सो गाइस अभी हुआ ये कि यहाँ पे इतनी भीड़ थी जाने के लिए, 6 लोगों को जाना था, लेकिन वो अंकल जी इतने स्वीट थे तो उन्होंने बोला कि आप दोनों जाना चाहती हैं, हमने बोला हाँ, तो उन्होंने हम दोनों को बैठा दिया और काजल रानी का फिर से स्टार्ट हो गया है। अभी अच्छा है तो इधर नहीं बैठी है क्योंकि अभी जो व्यू दिख रहा है ना मुझे वो बहुत अमेजिंग है। तो भी डर रही है ना अगर मैं उधर आ गई तो? नहीं, पर मुझे ये कि कुछ बैलेंस के लिए होता होगा। हाँ। पर गंडोला राइड, गंडोला गंडोले में बचपन में फिरती थी गंडोला, हम दोनों की बहुत अमेजिंग थी। हमारा एक्सपीरियंस बहुत डरावना भी था और बहुत अच्छा भी था क्योंकि देखो कुछ ऐसा हुआ था गंडोला राइड में जो हमारे मुंह से निकला था और वो सच हो गया। तो बस इसलिए अभी मेरे कान बंद हो रहा है। तेरे हो रहा? यहाँ पे थोड़ा हिलता है ना ये बहुत ज्यादा अच्छा था यार। अब मैं विंटर्स में आना चाहती हूँ काजल, ये देखने। तब हम विंटर्स में आए तो ये नहीं किया हमने, तो बंद था। सही में बंद नहीं था, बहुत ज्यादा भीड़ थी। उन्होंने बताया नहीं था कि इतनी लंबी लाइन है, हमें टाइम ही नहीं मिला था। हाँ ऐसा ही कुछ हुआ था, हमें स्लॉट नहीं मिला था। काजल चुप हो जा क्योंकि गाइस हम बादलों से भी ऊंचे हैं इस टाइप पे, इसलिए हमें सॉन्ग याद आ रहा है। और ये भी आ रहा है मुझे, गाऊं बादल पे पांव है और ढूंढ रहा हूं है अब तो वही चल पड़ी यमनी ये नाव है। पहुंच गए चलो चलो उतरो। गाइस हम नीचे तो आ गए हैं लेकिन साहिल ने एक कैफ़े बताया था ऊपर, वहाँ पे कैफ़े में मैंने हॉटस्पॉट लेके कॉल पे बात की थी क्योंकि हम दोनों की सिम बंद है। तो अब हम ढूंढ रहे हैं साहिल विवेक को कि कहाँ पे है, वो कुछ समझ आ नहीं रहा है। कैफ़े बोला था, अब क्या नाम था कैफ़े का ये याद नहीं आ रहा। कौन सा कैफ़े था काजल? मुझे नहीं, ये अपने आप पहले चलाई जा रही है इधर उधर और अगर गलत हुआ मैं वापस नहीं जाऊँगी। कौन है ये? काजल द ग्रेट। कौन है गाइस ये? काजल द ग्रेट। नहीं जाएगी वापस, ना जाए, मैं कम से कम इसे ले जा तो रही हूँ, वहाँ खड़ी हो गई है। जा पहले तू क्रिकेट खेल ले। गाइस इतना चलने के बाद मुझे ये कैफे दिखाई दिया है और मेरे हिसाब से साहिल यहीं बैठे होंगे क्योंकि वहाँ से फर्स्ट कैफे यही पड़ा है। तो देख, मैं तुझे कुछ नहीं बोल रही हूँ यार। मिल गए गाइस हमें ये दोनों। हेलो, गाइस ये छोटे छोटे बच्चे खाना खाने आए थे लेकिन इनको बाहर भेज दिया गया है, अच्छा नहीं लगा। गाइस थोड़ा मोटा होने का ये लॉस है और पतले होने का भी कोई खास फर्क नहीं है। हम वहाँ थे और हम यहाँ आ गए हैं। गाइस मैं तो वापस आ गई थी, मैंने वापस से अपना सूट अंदर रख दिया और चेंज वेंज कर लिया है, नाइट सूट पहन लिया। थोड़ी देर लेट होंगी, उसके बाद आपको मिलूंगी। अब देखना एक एक करके सब इधर ही आएंगे। पहला बंदा आ गया, थैंक यू सो मच साहिल जी। ये आ गए गाइस। कौन सी प्राइवेसी है तेरी? ये आ गया दूसरा इंसान, ये आ गया। पता क्या कह रही है साहिल? कहती मुझे मतलब मैं किसी के व्लॉग में नहीं आना चाहती, मेरी प्राइवेसी है। ये आया तीसरा बंदा। तुम दूसरा रूम छोड़ के यहाँ क्या करने आए हो भाई साहब? तू मत बोल काजल, तू मत बोल। मैं नहीं जा रही हूँ विवेक, दोबारा कर। Get lost from here. दोबारा कर। Put your leg down.